हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट एवर जॉब एंड फुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज का वीडियो, आज की जॉब कुछ हटके, कुछ अलग और कुछ यूनिक। तो गाइस, जॉब की अपडेट देने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सब जल्द से जल्दी पहुंचे। तो गाइस, आज की जो जॉब होने वाली है वो होने वाली है ऑफिस बॉय की, ऑफिस बॉय कम हाउस कीपिंग, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है, प्लस बहुत ही अच्छा इंसेंटिव और बहुत ही अच्छी बेनिफिट देखने को मिलेगा इस जॉब में। उससे पहले एक और बात गाइस, कि हम लोग अब कुछ अलग किया है। अलग बोले तो हम लोगों ने एक छोटी छोटी पोस्ट भी कवर की है बेंगलोर में। छोटे छोटे पोस्ट बोले तो जो एक रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट, तीन रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि किसी सैलून में काम करने का जो है आदमी की जरूरत है, कहीं पे जो है एक दुकान में काम करने के आदमी की जरूरत है, वो जो पोस्ट रहती है वो एक आदमी चाहिए, दो आदमी चाहिए, पांच आदमी चाहिए, इवन तक जो है 10 आदमी की रिक्वायरमेंट जो है हम लोग इस यूट्यूब पे अपने चैनल पे नहीं अपलोड करते हैं। वो जॉब्स अपडेट आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर आपको डेली अपडेट मिलेगी। डेली में आपको जो नया नया एक जो है पोस्ट रिक्वायरमेंट मिलेगा आप उसमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स वहां पर भी मिले। और यूट्यूब में क्या है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए लेके आते हैं बल्क क्वांटिटी में। 200 कैंडिडेट्स की जरूरत है, 300 कैंडिडेट्स की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतने लड़के लोगों की जरूरत है, वही पोस्ट सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो छोटी पोस्ट रहती है, जैसे कि जो कहीं पे टीचर की रिक्वायरमेंट, तीन किसी कॉलेज में तीन टीचर चाहिए, तो हम लोग वो तीन टीचर का जो वीडियो नहीं बना सकते। या फिर कहीं पे जो है एक सैलून में जो है किसी कटिंग वाले का 3 आदमी की जरूरत है, तो वहां पे वो लोग हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जो एक दो क्वांटिटी में जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं साथ में लेके, ताकि हमारे यहाँ, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जो है रिक्वायरमेंट आते हैं, ऐसे ऐसी जो है कॉल्स आती है लड़के लोगों की, सर मैं एक्स वाई जेड काम में एक्सपीरियंस है, मुझे उस टाइप का जॉब चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक कैटेगरी, हर एक बिजनेस, हर एक प्लेटफॉर्म आपके लिए लाके रेडी रखें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज के, बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के। तो गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहे, अंत तक बने रहे। अब बात करते हैं इस जॉब की। ये जो जॉब होने वाली है वो होने वाली है ऑफिस बॉय कम हाउसकीपिंग की। बहुत ही अच्छी जॉब है ऑफिस बॉय कम हाउसकीपिंग। अब मैं एक तरफ से बोले चलो तो ये एक सिक्योरिटी जैसे काम हो गया। ऑफिस बॉय का बोले तो एक यूनिफॉर्म सिर्फ अलग रहता है, लेकिन काम एक सेम ही रहता है। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ा रहता है, ऑफिस बॉय ऑफिस के अंदर काम करता है। तो ये है ऑफिस बॉय कम हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग, ऑफिस बॉय, इसलिए दोनों कॉमन है क्योंकि ये जो कवर होने वाले है वर्क स्टेशन का कवर होने वाला है। अब आपको बहुत अच्छा कंफ्यूजन हो गया मेरे हिसाब से कि सर क्या बोल रहे हैं। ये जो पोस्टिंग होने वाली है वो वर्क स्टेशन में। अब वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन वो है, कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में काफी जो है सॉफ्टवेयर कंपनियां, काफी जो है कॉल सेंटर, उन लोगों ने क्या किया कि एक बड़ा सा स्पेस, बड़े बड़े स्पेस फ्लैट रेंट पे लेके वहां पे बहुत सारे टेबल्स, चेयर्स, कुर्सी वगैरह लगा के अच्छे से सेटअप करके, वहां पर वाईफाई लगा के और वहां पे एक कंप्यूटर लगा के बैठने लायक व्यवस्था कर दी जाती थी। वो स्टेशन में क्या है कि अभी जैसे कि मुझे कोई काम करना है, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं, मैं क्या करूंगा, वहां पे वर्क स्टेशन पे जाऊंगा, अपना जो है एक किराया रहता है उनका, एक घंटे का 300, 400, 500 जो भी रहता है वो दूंगा उनको, 1 घंटा 2 घंटा मेरा जितना मर्जी चाहे वहां पे मैं अपने कंप्यूटर में काम करूंगा और वहां से चलता बनूंगा। तो वो एक रेंट पे जो है रहता है उन लोगों का, तो उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। अलग अलग कंपनी के कैंडिडेट्स वहां के बैठते हैं और वहां पे जो घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के जो है आराम से कंप्यूटर पे जो है लैपटॉप पे अपना काम करते हैं, तो वहां पे अच्छी पूरी फैसिलिटी रहती है, वाईफाई की, चाय पानी की, सब कुछ। तो आपको उस जगह में हाउसकीपिंग कम ऑफिस बॉय का काम करना है। चाबी आपके अंडर में रहती है, सुबह आप जाके खोलेंगे उसको,
अच्छे से झाड़ू पोछा करके वहीं पे रहेंगे दिन भर। मान लो कोई काम हो गया कि जो है बाहर जाना है या फिर कुछ लेके आना है, तो वो काम आपको करना है, चाय लेने आना है या फिर जो भी छोटा मोटा काम रहता है, कुछ पेपर्स लेने लेके आना है, स्टेशनरी का कुछ आइटम लेके आना है, तो वो काम दिन भर आपको करना रहता है। नहीं तो बस वहीं पे बैठना, बैठ के रहना है चेयर लगा के, शाम को क्लोजिंग का टाइम बंद करके चाबी लेके आना है, बस वही काम है। ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट ऑल ओवर बेंगलोर में चलने वाली है। इसके अलावा चेन्नई और दिल्ली में भी हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, सेम पोस्टिंग और सेम कंपनी में ऑफिस बॉय के रिगार्डिंग। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने बेंगलोर का जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो बेंगलोर में ऑल ओवर बेंगलोर में ऑफिस बॉय का रिक्वायरमेंट है। काम कुछ ज्यादा नहीं है, मैं जैसे बोला कि सुबह जाना है, लॉक वगैरह ताला खोलना है वहां का, आपका लोकेशन का, वहां पे झाड़ू पोछा करके बस वहीं पे बैठा रहना दिन भर, बस उतना ही काम रहता है। कुछ हेवी काम नहीं है, कुछ ज्यादा हार्ड काम नहीं है। अच्छा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इसमें 8 घंटा ड्यूटी रहता है, 8 घंटा ड्यूटी रहता है, प्लस एवरी संडे वीक ऑफ रहता है, हर संडे आपको छुट्टी रहता है उसमें। इसके अलावा अगर आप 6 महीना कंटिन्यू इसमें ड्यूटी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। अब सैलरी बारे में वैसे मैंने बताया नहीं, इसमें सैलरी मिनिमम इसमें जो है 12,000 रहती है, स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो 12,000 रहती है, 12,000 सैलरी रहती है, 8 घंटा ड्यूटी रहेगी, प्लस एवरी संडे आपका छुट्टी रहेगा, हर संडे आपका छुट्टी रहेगा। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, जैसे 4 जो है रहता है पब्लिक हॉलीडेज, 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली और दीपावली, इन 4 को जो है छुट्टी मिलती है वहां पे, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। इसके अलावा एज लिमिट की मैं बात करूं तो 18 से लगाकर आपका 30 इयर्स लास्ट, अगर आप 18 साल के हैं और 30 साल तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रूम और खाने की फैसिलिटी नहीं है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि कृपा करके आप रूम और खाना पीना इसमें नहीं पूछे। इसमें कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी सैलरी देती है, 8 घंटा ड्यूटी देती है, अच्छी पोस्ट चाहिए, इसमें ना हार्ड वर्किंग है और इसमें ना कुछ टेंशन वाला बात है, आप करना ही टेंशन का काम रहता है इसमें। जो जो स्टूडेंट है अभी रिसेंटली किसी ने जो जॉब छोड़ा है या फिर रिसेंटली किसी ने जो है कॉलेज छोड़ा है, वो कैंडिडेट चाहिए तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, लोकेशन आपके नियर बाई लोकेशन पे ही मिलेगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कॉलिंग का टाइम हम लोगों का सेम है, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे के बीच में ही कॉल करें। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूँ, कई बार, और ईच एंड एवरी वीडियो में आपको इस चीज का जिक्र करता हूँ कि हम लोगों का कॉलिंग टाइम 10 बजे से लगाकर 5 बजे है, उसी के बीच में कॉल करें। आप रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, सुबह के 5 बजे और या फिर रात के 1 बजे कॉल नहीं करें, उससे हम लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, प्लस आपको भी तकलीफ होती है कि हम लोग फोन नहीं उठाते हैं। इसके अलावा संडे सैटरडे कभी कॉल नहीं करें, हमेशा की तरह सैटरडे संडे आपको रिस्पांस मिलता ऑन व्हाट्सएप के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप जल्दी से इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करके रखेंगे, उस पे फॉलो करके रखेंगे, फॉलो करके रखेंगे तो उस पे क्या रहता है कि डेली की अपडेट रहती है हम लोगों की, एक पोस्टिंग की, दो पोस्टिंग की, बेंगलोर में जो है 3 आदमी की जरूरत है, उस XYZ काम में 2 आदमी की जरूरत है, जो है कहने का मतलब है कि हम ऑल ओवर जो है ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म कवर कर रहे हैं अभी। इसलिए क्या है कि ज्यादा जो है पोस्टिंग हम लोग यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बल्क हायरिंग देखने को मिलेगी, सिर्फ बल्क हायरिंग, ज्यादा क्वांटिटी में जो हायरिंग रहेगी, ज्यादा क्वांटिटी में जो पोस्टिंग रहेगी, वही पोस्टिंग आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो गाइस रिक्वेस्ट आपसे, आप को अगर बेंगलोर में रहते हैं और आपको जो है कुछ अलग नॉलेज है पैकिंग का, नहीं हो के कंप्यूटर का या फिर स्टोर इंचार्ज का या फिर मैनेजर का, जो एक एक दो दो पोस्ट के रिगार्डिंग चलती है, वो चाहिए तो हम लोगों को इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज में देख के कॉल कर सकता है, नंबर वहीं पे भी मेंशन रहता है, पूरा डिटेल्स क्रिएट लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा गाइस अब हम लोगों का, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हम लोग जो है बहुत ही जल्दी जनवरी से एक अच्छा प्लान लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा प्लान, प्लान बोले तो JD जॉब डेवलपर पोस्ट। अब बोला कि काफी टाइम, मतलब काफी कैंडिडेट्स बोले सर ये क्या है,
जहां पे आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू, मान लो कोई कैंडिडेट्स हमारे कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी में गया है 6 महीना पहले, और उसको एक ही पोस्ट पे, सिक्योरिटी पोस्ट पे 6 महीना काम करते हुए हो गया है, तो वो कैंडिडेट्स हम लोगों को कॉल कर सक बोल सकता कि सर मैंने आपकी कंपनी के थ्रू ज्वाइनिंग लिया था, इस कंपनी में 6 महीना हो गया हम लोगों को यहाँ पे काम करते हुए है सिक्योरिटीज कंपनी में, मुझे अभी थोड़ा पोस्ट इंक्रीज चाहिए उस बंदे के लिए, उस कैंडिडेट्स के लिए। हम लोगों के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट रेडी रहती है। अगर कोई सुपरवाइजर हमारे कंपनी के थ्रू ज्वाइन हुआ है कि सर मैं आपकी कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी लाइन में जो है सुपरवाइजर की पोस्ट पे 6 महीने से काम कर रहा हूँ, उस कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों के पास फील्ड ऑफिसर की पोस्ट रेडी मिलेगी। अगर कोई फील्ड ऑफिसर चाहता है कि सर मैं आपके कंपनी के थ्रू 6 महीने से काम कर रहा हूँ एक्स वाई जेड कंपनी में, मेरे लिए कोई अच्छा जॉब, तो उस कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों के पास मार्केटिंग या फिर मैनेजर तक की पोस्ट अवेलेबल मिलेगी। कहने का मतलब है कि आपका ग्रोथ होना और ये प्लान और ये जो है बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारे कंपनी के थ्रू कहीं पे ज्वाइन हुए हैं। ये तो सिक्योरिटी का हुआ, इसके अलावा हम लोग एक एक प्लेटफॉर्म को एक एक जो है पोस्ट के हिसाब से इंक्रीजमेंट देने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि ये सिर्फ सिर्फ बेनिफिट्स उन्हीं को मिलेगा जो हमारी कंपनी के थ्रू कहीं पे पोस्ट कर रहे हैं, हमारी कंपनी के थ्रू कहीं पे ज्वाइन हुए हैं उन्हीं लोगों को। हेल्पर लोग के लिए भी है, प्रमोटर वालों के लिए भी है, सिक्योरिटी वालों के लिए भी है, और मार्केटिंग वालों के लिए भी है। वो प्लान आने वाले टाइम में हम लोगों का जनवरी से, जन 22 से हम लोगों का वो प्लान चालू होगा, लॉन्च होगा, लागू होगा। उस पे हमारी एक अलग टीम काम करेगी। तो गाइस एक और बहुत अच्छी अपडेट थी आप लोगों के लिए। इसके अलावा ऑफिस बॉय में जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो बंदा हम लोगों को कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। कॉलिंग का टाइम हमेशा की तरह मैं पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ कि 10 से लगाकर शाम के 5 बजे लास्ट रहता है। इसके बाद में कभी कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट में आपका 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा। और हमेशा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज के। जहां दूसरे कंपनी वाले मैं देखता हूं कि 3,000 रुपये, 5,000 रुपये जो है ज्वाइनिंग फॉर्म का, ज्वाइनिंग फीस का लेते हैं, लूटने का काम करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप पहले आइए, जॉब कीजिए, आपको सफिशियंट लगे 1 महीना 2 महीना की सर मैं ये जॉब मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ अच्छा जॉब दीजिए, तो आप लोगों के लिए हम लोगों के पास और भी अच्छी बहुत सारी जॉब वैकेंसी चलती रहती है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में 1 महीना 2 महीना कंपल्सरी काम करना रहेगा। ऐसा नहीं कि जो है आप जाएंगे 10-15 दिन काम करेंगे, कोई अच्छा वीडियो देखेंगे, कॉल करेंगे, सर मुझे तो वहां पे जाना है, 10-15 दिन में हम लोग जॉब चेंज करके नहीं देते, क्योंकि हम लोगों के पास कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग। और आप लोगों के पास से चार्जिंग ना तो हम लेते हैं, ना ही आपको जहाँ कंपनी के पास आगे भेजा जाता है ना आपको वहां लिया जाता है। कहने का मतलब है बिल्कुल फ्री रहता है हम लोगों के पास, ज्वाइनिंग फीस या फिर ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे कुछ भी आपसे नहीं लिया जाता। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड